जब दिल चाहे डिलीशियस डिश तो सर्च करें माय किचन माय डिश। माय किचन माय डिश इज ओपन, प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर डेली नोटिफिकेशंस। हेलो एंड वेलकम टू माय किचन माय डिश। दोस्तों, मैं आज आपको एक और शवारमा की रेसिपी देने जा रही हूँ। पहले तो मैंने शवारमा की रेसिपी आपको दी हुई है और ये इंस्टेंट शवारमा है। इसे ब्रेड के अंदर और ब्रेड रोल के अंदर बनाया जा सकता है। इसका सबसे पहले मैं इसकी फिलिंग तैयार करूँगी। इसके लिए मैंने ये 250 ग्राम चिकन लिया और इसके ऐसी लंबी लंबी स्ट्रिप्स काट दी हैं पतली पतली, और इसका मैरिनेशन का मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून दही ली है। इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, काली मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, जीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच, नमक स्वादानुसार मैंने आधा चाय का चम्मच नमक डाला है, लेमन जूस 1 नींबू का रस, और इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। और मुझे जो वो रेड ऑरेंज कलर अपना बहुत पसंद है, तो वो भी मैं इसके अंदर मिलाऊंगी, उसे भी ज़रा सा पिंच डालूंगी। ये देखिए, ये हाफ पिंच मैंने डाला है और बस मैंने इसे मिक्स किया। अच्छी तरीके से मिक्स करके इस चिकन को मैं 10 मिनट के लिए मैरिनेट करके साइड में रख दूँगी, और अब इसे हाथ से ऐसे मिलाऊंगी। आप चाहें तो चम्मच या फोर्क का यूज़ कर सकते हैं इसे मिक्स करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर का रेड ऑरेंज कलर हाथों में लग जाता है और वो 2 दिन तक निकलता नहीं। तो इसे मैंने अच्छी तरीके से मैरिनेट कर दिया और अब मैं इसे 10 मिनट के लिए ढककर मैरिनेट होने रख दूँगी। जब तक वो मैरिनेट हो रहा है, इतने देर में मैंने ये शवारमा के लिए 1 आलू के पतली पतली स्ट्रिप्स काटी हैं, और इन्हें फ्रेंच फ्राइज़ की तरह मैं फ्राई कर लूँगी थोड़े से ऑयल में। 1 आलू है, बस उसको फ्राई करना, शैलो फ्राई करना है मुझे, और उसे इतनी देर फ्राई करना है कि वो गल जाए और उस पर ब्राउन स्पॉट्स आ जाएं। ये देखिए, बहुत प्यारा प्यारा सा शवारमा के लिए मैंने फ्रेंच फ्राइज़ रेडी कर ली। इन्हें मुझे रखना तो है नहीं, तो इसलिए इंस्टेंटली यूज़ करने के लिए ये इस तरीके से फ्रेंच फ्राइज़ बनाना बहुत अच्छा रहता है। ये देखिए, मैंने पूरे आलू के स्ट्रिप्स को फ्राई कर लिया और ये बहुत अच्छे शवारमा में यूज़ होने के लिए फ्रेंच फ्राइज़ तैयार हैं। और अब 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, तो मैंने इसी ऑयल के अंदर अब इस चिकन को पकने के लिए डाल दूँगी। ये भी चिकन बहुत जल्दी पक जाता है, क्योंकि बहुत पतली पतली स्ट्रिप्स कटी हुई है, तो उसमें मसालों का अरोमा अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है। ऐसे 2-3 मिनट के लिए ढक कर पकाएँगे। 2-3 मिनट तक हमने ढककर पका लिया और इतनी देर में ये गल गए हैं, और अब मैं आँच तेज़ करके इसके अंदर जो मॉइस्चर है उसे सुखा दूँगी। बहुत ज़्यादा मॉइस्ट नहीं रखना है और बिल्कुल सूखा भी नहीं करना है, बस ये इतना मॉइस्चर काफ़ी हो गया। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बारीक कटी हुई कैप्सिकम, क्योंकि कैप्सिकम को थोड़ा सा पकाना चाहिए और गाजर को भी थोड़ा सा पकाना चाहिए। तो कैप्सिकम और गाजर मैंने 1 टेबल स्पून दोनों चीज़ें इसके अंदर ऐड की, और इन्हें बस हल्का सॉटे करना है कि उनका कच्चापन दूर हो जाए। तो अब मैंने, देखिए आपको ये शवारमा ब्रेड रोल के अंदर बनाकर दिखा रही हूँ। मैंने सारी तैयारियाँ कर ली हैं, ये पत्ता गोभी काट ली है मैंने, और ये केचप और मेयोनेज, और ये ब्रेड, और ये चिकन, और ये फ्रेंच फ्राइज। अब मैं इन्हें आपको बनाकर दिखाऊंगी। ये मैंने ये रोल लिए हैं, और इस रोल में ये एक कट होता है। ये रेडीमेड रोल लिए हैं मैंने, ये बेकरी से मैंने लिए हैं। इसके अंदर एक मीठा सा क्रीम लगा होता है, आप चाहें तो विदाउट क्रीम का लें। मेरे घर में मुझे ये क्रीम वाला बहुत पसंद है, तो मैं इसे बनाती हूँ और मैं आपको बता रही हूँ। आप जैसा चाहें वैसे बनाएं इसे। इसके ऊपर लगाएंगे ये टोमेटो केचप, और ये शवारमा इंस्टेंट भूख में बहुत आसानी से बहुत जल्दी बनाया जा सकता है। ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए, जब फुर्सत में हो तो ये फिलिंग्स बना कर रखें। इसके ऊपर मैं ये देखिए चिकन के पीसेस को ऐसे लगा रही हूँ। इन चीज़ों को, इन फिलिंग्स को बनाकर तैयार फ्रिज में रखें, और जब ऑफिस से वापस आएँ तो फटाफट इसे इस तरीके से लगाएँ और खाएँ, और अपनी भूख मिटाएँ और सबको खिलाएँ। और बिल्कुल बहुत ही अच्छा, घर में सफाई से बना हुआ। इसके ऊपर से मैंने ये आलू के फ्रेंच फ्राइज़ रख दिए, वो चिकन के पीसेस रख दिए, फ्रेंच फ्राइज़ के पीसेस रख दिए। इसके ऊपर मैंने लगा दी ये मेयोनीज़। ये रेडीमेड मेयोनीज़ है, वेज मेयोनीज़ है, किसी भी सुपरमार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाती है।
और मैंने इसके ऊपर थोड़े से पत्ता गोभी के बारीक कटे हुए जूलियंस भी लगाया और इसे मैंने ऐसे रैप कर दिया। और बस फटाफट ये खाने के लिए तैयार है। तो आप भी इन्हें अपने घर में बनाइए, एंजॉय कीजिए, सब अपने दोस्तों को खिलाइए और टिफ़िन में भी रैप करके ले जाइए। और इसे जब आप बनाएं तो इसके फ़ोटोज़ क्लिक करके मेरे माई किचन माई डिश के पेज, फेसबुक के पेज के ऊपर पोस्ट कीजिए और मेरी वेबसाइट पर भी पोस्ट कीजिए। मेरी वेबसाइट का नाम है www.mykitchenmydishofficial.com। और टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। बाय।